हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम का आप जानते हैं कि ही हैव ब्रोकन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिस टाइम, और इस बार उन्होंने 26 गेंदों में सेंचुरी मार दी। 26 गेंदों में 100 रन्स, दैट्स अ क्रेजी थिंग, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। और मैं तो खुद मतलब इतनी बहुत बार ऐसा होता ना, आप इतनी हाइप पे चले जाते हो कि आप ऐसे तो काम डाउन निधि, काम डाउन काम डाउन, तो वैसी वाली हालत मेरी हो रही है। अपन अभी वो बैठ करके वीडियो साथ में एंजॉय करने वाले हैं पूरा। दिस इज द वीडियो ऑफ फास्टेस्ट 100 इन क्रिकेट। आर यू एक्साइटेड जस्ट लाइक मी? आई मीन आई के नॉट वेट। ये इंडियन भारतीय नारी से इंतजार नहीं हो रहा है यार ये फास्टेस्ट 100 देखने में। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। और वहां पे अपन हंसाते वसाते हैं और इधर मोटिवेशन चलती है भारी वाली। और यार ये वाला वीडियो भी बहुत नेक्स्ट लेवल मोटिवेटिंग होगा, क्योंकि भाई भाई यार सेंचुरी मार रहा है एक इंसान 26 बॉलों के अंदर। सुन के भी मतलब ऐसे गूज बम्स हो जाते हैं यार। देखो 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 देखो, ओहोज खेलेंगे प्लीज खेलेंगे। देखो भाई201 पिछले में और 91 आप भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल यार। ये देखो देखो ऑल द वे सिक्स, दैट इज द मैक्सिमम ब्यूटी। आई एम शिवरिंग राइट नाउ। ऑन साइड पे फाइन लेग दायरे के अंदर है, भरपूर फायदा उठाया इस बात का और धरती ऑन साइड पे 4 रन के लिए। देन बॉल ऑन साइड पे निकल के कामयाब। चिल्स राइट नाउ। खाली है डीप में, 4 रन मिले। जितनी पिटाई बाबर आजम की बॉलिंग में हुई थी उन्होंने बैटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिसाब बराबर कर दिया। और ये क्रिकेट वाकई हिसाब बराबर करने की क्रिकेट है। जिस तरीके से आप बॉलिंग करवाएंगे आपको बैटिंग में भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतना मौका मिलेगा। और मैच काफी हद तक बैलेंस साइड से कहना चाहिए है। लेग बॉल उठा दिया इसको लॉन्ग लेग की जाने, फाइन लेग इन फैक्ट, क्लियर करने में कामयाब। पर और 36 छक्के मुकम्मल हो चुके हैं। तो फिर अगर अब तक देखते हैं तकरीबन 16 ओवर का खेल हुआ है यहाँ पर, तो 36 छक्के अगर लगे होंगे तो कितने ओवर हो गए? 6 ओवर तो सिर्फ छक्के हो गए भाई। मेरा रिएक्शन इससे भाई भाई बड़ा भरपूर स्ट्रोक बहुत गजब है। टीम अब्बास की इस गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला, बाबर आजम ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। बाबर आजम एक और शानदार चौका बाबर आजम का, 16 गेंदों पे 43 रन दरकार। और शाइकी ने क्रिकेट ने भरपूर इस मैच को एंजॉय किया होगा, जब कैमरा आता है उनकी खुशी काबिले दीद। और बाबर आजम सेंचुरी के कितने करीब है ये भी जानना होगा हमें। तभी इनको ना बाबर किंग और बब्बर शेर बोला जाता है, एशिया का बब्बर शेर। फहीम अब्बास की इस गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला, शानदार छक्का बाबर आजम का। बाबर आजम के कितने रन हो चुके हैं जरा ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या सेंचुरी स्कोर करेंगे आज? क्योंकि शुएब मलिक नॉट आउट वापस गए थे, 93 नॉट आउट, 24 बॉल्स, 2 डॉट्स, 7 फोर्स एंड रन उनके बाउंड्रीज में आए हैं।
इस दफा ऑफ साइड पे, ऑफ साइड पे सीधा स्टैंड में 6 रन के लिए 99 मुकम्मल कर लिए शुएब मलिक ने। अगर बाबर आजम के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, उन्होंने हिसाब बराबर किया। 99 नॉट आउट ऑन 25 बॉल्स विद 11 सिक्सेस एंड 7 फोर्स। अभी बस सेंचुरी पूरी हो जाएगी लास्ट। हाँ, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कॉस के लिए जबरदस्त बैटिंग है। एजाज उल हक पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कॉस के लिए खासे लोग यहाँ आए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। और सेंचुरी के करीब 99 पे एक बड़ा स्ट्रोक, लेकिन लकी रहे कि दरमियान में गिरी हुई शानदार सेंचुरी बाबर आजम की, और ये मैच विनिंग नॉक भी हो सकती है। कोई शक नहीं कि जिस तरीके से बाबर आजम ने इस 100 रन मुकम्मल किए, 26 बॉलों पे 100 बनाए, सिर्फ 2 डॉट डिलीवरीज हैं, 7 चौके, बहुत उम्दा अंदाज में बैटिंग की। और अब भी अपना बल्ला कैरी कर रहे हैं इस वक्त बड़े खूबसूरत अंदाज में। 7.5 जहां पर बॉल फील्डर के पास। ओके, इट्स ओवर। ओ गॉड, मेरा पता है क्या है, जब मैं एक्सट्रीमली खुश होती हूँ, मतलब इतनी बड़ी विक्ट्री मैंने अभी एक्सपीरियंस करी है, तो मेरे को ना हंसी आ रही होती है। वो खुशी वाला जब आपका इमोशन उमड़ उमड़ के फूट फूट के निकल रहा होता है ना, तब ऐसा कुछ होता है सीन क्रिएट। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस हैपेंड, एंड ओ गॉड ही नेल्ड इट। बहुत गजब का खेला बाबर आजम ने, ही इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। ओ गॉड, इतना देखो, अभी जब रिसेंटली जब T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे अभी 5 मैचेस बैक टू बैक पाकिस्तान ने जीते थे, तब हमें लगा था कि यार हाँ, पाकिस्तान इज लाइक नेक्स्ट लेवल, बहुत गजब ये लोग खेल रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे। बट इतनी जल्दी इतनी इतनी तरक्कियां हासिल होंगी, ये आइडिया नहीं था हमको। हमको छोड़ो, पूरी दुनिया में किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि ऐसे उछल के निकलेगा पाकिस्तान। क्योंकि हो सकता है आप पाकिस्तानी हो, आप लोग खुद जानते हैं कि इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान की, बहुत भयंकर वाली नहीं रही। बट अभी राइट नाउ इट्स क्रिएटिंग हिस्ट्री। आप सबको बहुत भयंकर वाला कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय कंट्री इंडिया। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग पड़ोसी मुल्क है हमारे, इंडिया के बगल में ही रहते हैं। आप लोग आगे बढ़ेंगे, हमको खुशी होगी यार बहुत ज्यादा वाली। इतना सारा ना पाकिस्तान को देख देख के, पाकिस्तानी प्लेयर्स को देख देख के आई फील समटाइम्स, इतनी ज्यादा करीबी फील होती है, बिकॉज फील होता है फटाफट से मैं किसी, एटलीस्ट यार किसी एक बंदे से तो मिलूं जो पाकिस्तानी है। मैं लाइफ में कभी किसी पाकिस्तानी से नहीं मिली हूँ, मतलब बात हुई है मेरी ऑन द इंटरनेट, मेरी बात हुई है काफी लोगों से, पर एक वो होता है ना कि आपकी 1-on-1 टॉक हो रही होती है, कोई आपसे बोल रहा है कि अरे मोहतरमा मैं तो पाकिस्तान से हूँ, तो वो चीज मुझे चाहिए फटाफट से मेरी जिंदगी में, और बस ये मैनिफेस्ट हो जाए यार। क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ देखना बहुत बढ़िया, बट एक रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन चाहिए मेरे को, आई क्रेव इट। और यही है कि यार पाकिस्तान को जितना कंग्रेचुलेट करो अभी उतना कम है। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो को देख करके आपको बहुत हद से ज्यादा वाली खुशी हुई होगी मेरी तरह। दिस इज किलायर रिएक्ट साइनिंग ऑफ। अगर आपको मैं अच्छी लगी हूँ, हसमुख लगी हूँ, मतलब मैं हसमुख हूँ, मुझे हंसी आती रहती है पूरे टाइम, अगर मैं अच्छी लगी तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी रील्स आती रहती है कॉमेडी वाली, तो आप देख के हंस भी सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, लव यू।